गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कुलदीप सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी के बारे में, शुरू करेंगे। आज हम फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट शुरू करेंगे, वन बाय वन सारे टॉपिक पढ़ेंगे इसके बारे में। तो फर्स्ट टॉपिक रहता है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे फार्माकोलॉजी का। इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले बात करेंगे कि फार्माकोलॉजी जो वर्ड है, फार्माकोलॉजी का वर्ड ये दो वर्ड से लिखे बना, डिराइव फ्रॉम टू वर्ड्स। दो वर्ड से मिलके बना, और वो दो वर्ड कौन से? एक तो फार्माकोन वर्ड, वन इज फार्माकोन, एंड सेकंड वन इज लोकस। फार्माकोन और लोकस दो वर्ड से मिलके बना फार्माकोलॉजी वर्ड। जो फार्माकोन वर्ड है उसका मतलब रहता है फार्माकोन, फार्माकोन का मतलब ड्रग्स से, ड्रग ड्रग, और लोकस का मतलब टू स्टडी या टू डील विद, टू स्टडी या टू डील विद, ये फार्माकोलॉजी का जो वर्ड है उसका मतलब है। फार्मा मींस ड्रग्स, लोकस टू स्टडी या टू डील विद। हाँ, उसके बाद हम बात करेंगे कि फार्माकोलॉजी वर्ड किसने दिया, फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। फादर ऑफ फार्माकोलॉजी, और फादर ऑफ फार्माकोलॉजी की बात करें तो ओस्टवाल्ड स्किनर, द ओस्टवाल्ड ओस्टवाल्ड स्किनर ये जो रहते हैं, ये फार्माकोलॉजी के फादर रहते हैं। इंडियन फार्माकोलॉजी की बात करें, फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी और इंडियन फार्माकोलॉजी के फादर की बात करूं तो रामनाथ चोपड़ा, इंडियन फार्माकोलॉजी के फादर रामनाथ चोपड़ा। ठीक है, इंट्रोडक्शन देखा हमने फार्माकोलॉजी वर्ड कहां से आया, दो वर्ड से मिलके बना, फार्माकोन ड्रग्स एंड लोकस टू स्टडी या टू डील विद। इसके अलावा हमने कहा कि फादर ऑफ फार्माकोलॉजी जो रहते हैं वो ओस्टवाल्ड स्किनर, और जो इंडियन फार्माकोलॉजी के फादर जो है वो रामनाथ चोपड़ा रहते हैं। उसके बाद डेफिनेशन की बात करें, फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन क्या रहती है, डेफिनेशन तो फार्माकोलॉजी वर्ड का मतलब है कि जो रहता है द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच डील विद, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच डील विद ओरिजिन केमिस्ट्री, इन विच डील विद ऑरिजिन केमिस्ट्री एक्शन एंड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, एक्शन एंड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। साइंस का वो ग्राम जिसके अंदर हम ड्रग के ओरिजिन, उसकी केमिस्ट्री, उसका एक्शन और उसके इफेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं, वो फार्माकोलॉजी के अंदर आता है। फार्माकोलॉजी branch of science in which deal with origin, chemistry, action and जो रहता है उसका effect जो रहता है drug का क्या क्या रहेगा body पे उसके बारे में study करते हैं। इसके अलावा एक word और रहता है जिसको हम pharmacotherapy के नाम से बोलते हैं, pharmacotherapy। next is pharmacotherapy,
Max definition is pharmacotherapy. What is pharmacotherapy? Pharmacotherapy क्या है ऐसा? तो जरूरत है जो हम काम में लेते हैं थेरापेटिक इफेक्ट के लिए बॉडी में उसको हमने बोला फार्माकोथेरेपी. फार्माको वर्ड ड्रग्स है अल्ट्रा और थेरापेटिक वर्ड का मतलब थेरापेटिक पर्पस के लिए उसे कैसा. तो जो रहता है द ड्रग विच इज यूज्ड फॉर थेरापेटिक पर्पस. Into the body के अंदर therapeutic purposes के view से जो drug काम में ली जाती है उसको हमने बोला pharmacotherapeutic. ये definition रहता है pharmacotherapeutic का भी. pharmacotherapeutic क्या है? तो the drug which is used for therapeutic purposes into the body. body के अंदर therapeutic purposes जो drug काम में लिया जाता है उसको हमने बोला pharmacotherapeutic. नेक्स्ट अपन दो काम जो है ड्रग वर्ड के बारे में बात करेंगे. ये जो ड्रग वर्ड है ये बार बार आता है. ड्रग का मीन्स क्या है ऐसा. तो अभी हम पढ़ेंगे ड्रग्स के बारे में. व्हाट इज ड्रग्स? ड्रग्स क्या है ऐसा. ड्रग्स और ड्रग्स जो है ये ग्रीक वर्ड से मिला था ना आया हुआ है. ग्रीक वर्ड से आया ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड. derived from greek word. ये कहां से आया? greek word से आया. हां तो greek word क्या? dry hard. ये dry hard. ये greek word dry hard. ये dry hard word से derive हुआ drug word. derived from greek word. ये greek word है dry hard. dry hard word से आया. जिसका मतलब होता है कि सबस्टांस जो हम काम में लेते हैं डायग्नोसिस पर्पस ऑफ यूज से थेरापेटिक पर्पस ऑफ यूज से क्योर करने के लिए और किसी इलनेस से प्रिवेंट करने के लिए जो हम काम में लेते हैं उसको जो डेफिनेशन है तो ड्रग का अगर डेफिनेशन देखें तो द सबस्टांस दैट इज यूज्ड फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस therapeutic purposes cure and treatment cure and prevention of illness. कि जो substance that is used for diagnostic purposes therapeutic क्योर जाएगी कंप्लीटली ठीक करना किसी पर्सन को और प्रिवेंशन ऑफ इलनेस इनके लिए जो काम लिया जाता है उसको हमने बोला ड्रग वर्ड से है. नेक्स्ट जो वर्ड रहता है आगे हम बात करेंगे फार्माकोथेरेपी और फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में. नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे फार्माकोथेरेपेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक्स दो टर्म रहती हैं. नेक्स्ट वन इज सबसे पहले हम पढ़ेंगे फार्माकोथेरेपेटिक. सॉरी फार्माकोथेरेपेटिक और फार्माकोडायनेमिक दो चीजें पढ़ेंगे. And second one is pharmacotherapy. One is pharmacotherapeutic and second one is pharmacodynamic. Pharmaco word same जो हमने पढ़ा. Pharmaco means drugs. Dynamic का मतलब power. Power.
किसका पावर? ड्रग का पावर। तो इसके अंदर हम क्या लेते हैं? फार्माकोडायनामिक्स के अंदर पावर ऑफ ड्रग, इट इज ए पावर ऑफ ड्रग्स। अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में बोले फार्माकोडायनामिक को ये क्या है, तो इट इज ए पावर ऑफ ड्रग, ये ड्रग का पावर है, इट इज ए पावर ऑफ ड्रग्स। पावर ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स का पावर, फार्माकोडायनामिक्स। डेफिनेशन की बात करूं कि इसका डेफिनेशन क्या रहता है, तो ड्रग्स विच एक्ट विद बॉडी, ड्रग्स बॉडी के साथ में क्या करता है, सर जो बॉडी के साथ में ड्रग्स का इफेक्ट रहता है उसको हमने बोला फार्माकोडायनामिक्स। तो ड्रग drugs act with body या drugs does with body, drugs body के साथ में क्या करता है वो pharmacodynamics, और दूसरा रहता है pharmacokinetics, therapeutic sorry kinetic pharmacokinetics, pharmacokinetics और फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब है कि बॉडी ड्रग के साथ में क्या करता है, व्हाट डज बॉडी विद द ड्रग्स। व्हाट डज बॉडी विद द ड्रग्स, ड्रग्स के साथ में बॉडी क्या करता है, वो कह रहा था फार्माकोकाइनेटिक्स, और ड्रग बॉडी के साथ में जो करता है वो कह रहा था फार्माकोडायनामिक्स। ड्रग का पावर अगर बोल रहा हूँ तो फार्माकोडायनामिक्स। हाँ, एग्जाम्पल की बात करूँ फार्माकोडायनामिक्स के अंदर, तो मान लीजिएगा कि एक पर्सन है जिसको हमने एग्जाम्पल के तौर पे एड्रेनलिन दिया, एक पर्सन उसको क्या कर दिया था, एड्रेनलिन दे दिया था, जिसका हार्ट रेट जो है वो 72 बीट पर मिनट था। जब मैंने एड्रेनलिन इसको दिया तो एड्रेनलिन देते ही इसका हार्ट रेट इंक्रीज हो गया, और इंक्रीज होके कितना हो गया, 110 बीट पर मिनट चला गया। मींस इसने क्या कर दिया, तो ड्रग ने अपना इफेक्ट दिखाया, और ड्रग ने अपना इफेक्ट दिखा के क्या कर दिया, हार्ट रेट को इंक्रीज कर दिया। ये जो रहता है ये फार्माकोडायनामिक्स की बात करती है। फार्माकोकाइनेटिक्स में हम चार स्टेप करते हैं कि जो बॉडी है वो ड्रग के साथ में क्या क्या करती है, तो चार स्टेप जो रहता है वो ए बी एम और ई से हम याद करते हैं। ए का मतलब एब्जॉर्प्शन, तो बॉडी क्या करती है, ड्रग को एब्जॉर्ब करती है। देन डिस्ट्रीब्यूशन, क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूशन करती है। देन मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म को दूसरे शब्दों में बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन, और उसके बाद आता है ई, और ई का मतलब एक्सक्रीशन, ए मतलब एब्जॉर्प्शन, बी डिस्ट्रीब्यूशन, एम मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन, और ई का मतलब एक्सक्रीशन। तो ये चार स्टेप रहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में, फर्स्ट वन इज एब्जॉर्प्शन, सेकंड वन डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड वन इज मेटाबॉलिज्म, या इसको बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं, और एक्सक्रीशन। अब हम जो है फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, सभी को एक एक करके, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे, देन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे होता है, मेटाबोलाइज कैसे होती है बॉडी में, और जो रहता है एक्सक्रीशन कैसे कैसे होता है, ये वन बाय वन हम पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो रहता है वो एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन जो है ये रूट ऑफ ड्रग पे डिपेंड करता है कि ड्रग कौन से रूट से दी जा रही है, अगर हम ओरल दे रहे हैं या सिस्टमिक रूट से दे रहे हैं, टॉपिकली दे रहे हैं, कैसा दे रहे हैं। ओरल जो है रूट के ऊपर डिपेंड करता है, एब्जॉर्प्शन डिपेंड अपॉन द
depend upon the root of drug. Depend upon the root of drugs. Drugs ke root pe depend karta hai absorption. Root of drugs. Depend karta hai absorption. हां इसके अलावा अगर कुछ बात करें स्पेसिफिक पॉइंट के हिसाब से तो जो एसिडिक ड्रग होती है एसिडिक ड्रग्स कुछ ड्रग एसिडिक होती है कुछ बेसिक ड्रग होती है बेसिक ड्रग्स या इनको बोलो एल्केलाइन एल्केलाइन ड्रग्स तो जो ड्रग एसिडिक टाइप की होती है एसिडिक ड्रग्स acidic drugs the acidic drugs are absorbed on acidic medium absorbed on acidic medium to jo acidic drug rehti hai wo absorb hoti hai acidic medium par absorbed on acidic medium jo acidic drugs hai wo absorb hoti hai acidic medium pe और एसिडिक ड्रग्स की एग्जांपल की बात करूं एग्जांपल तो एग्जांपल जो रहता है वो एनसेड्स एनसेड कैटेगरी का ड्रग एनसेड का फुल फॉर्म जो रहता है वो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स non-steroidal anti-inflammatory drugs और इसके अगर non-steroidal anti-inflammatory drugs की example की बात करूँ तो acyclofenic then diclofenac ibuprofen paracetamol ये सारे जो है ये example रहते हैं answer के acyclofenac diclofenac ibuprofen and PCM paracetamol इसके अलावा इंडोमिथासिन इंडोमिथासिन ये सारे के सारे एग्जांपल रहते हैं एनसाइड ड्रग्स के तो सबसे पहले हमने कहा एसिडिक ड्रग जो होती है एसिडिक मीडियम के एसिडिक ड्रग की कैटेगरी में आता है एनसाइड और एनसाइड इज नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग की जो रहती है वो एसिडिक टाइप के ड्रग्स रहते हैं और जो रहता है मैंने कहा कि एसिडिक जो इनका एग्जांपल जो रहता है एसिक्लोफिनेक पैरासिटामोल इसके अलावा मैंने कहा डाइक्लोफिनेक एसिक्लोफिनेक आइबुप्रोफेन एंड इंडोमिथासिन ये सारी की सारी जो ड्रग रहती है एसिडिक मीडियम की ड्रग्स रहती है दूसरा हमने कहा था कि जो बेसिक ड्रग है यानी कि जो एल्केलाइन ड्रग है बेसिक ड्रग्स Second category is basic drugs. Basic drugs. और basic drugs जो रहती है ये